एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय ऑसम चैनल। सो गाइस आज मैं बिटला पार्क में आई हुई हूँ और अभी हम लोग बहुत ही मस्ती करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नेशनल पार्क में बहुत ही अलग अलग प्रकार के एनिमल्स रहते हैं और ये बात यहाँ का मान्यता है कि यहाँ पे पहाड़ और शेर भी रहते हैं बट वो जंगल के अंदर रहते हैं। और अगर आप अपना फोर व्हीलर लाए हुए हैं तो अंदर एक जंगल है, उसमें आप जा सकते हैं अपने फोर व्हीलर को लेके, और उसके लिए एंट्री फी में भी 750 लगता है। ओके, और यहाँ पर आपको हिरन हाथी और बंदर वगैरह देखने को मिल जाएगा बाहर बाहर से, बाकी अंदर जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं सीन। सो यहाँ पे जो भी ये हाथी बनाया हुआ है, लेकिन ये ना बहुत ही अच्छा लगता है हमको देखने में। हालांकि ये तो नकली होता है बट ये जो हाथी वगैरह होते हैं इनसे कोई डरने का दिक्कत नहीं होता है और आप लोग देख के इसको इमेजिन भी कर सकते हैं। तो एक पॉइंट है कि देखिए ये अभी उधर का सीन और उधर जाके उधर से बहुत चीज़ बनाया हुआ है, तो अभी उधर जाएंगे हम लोग। फिलहाल अभी इसको देखिए, यही गेट है, इसी गेट को पार करके अंदर एक कार या फिर जो भी बोलेरो वगैरह जाता है और उधर जाके आपको जंगली जानवर देखने को मिल सकता है। तो अभी वहाँ पे कुछ हिरन लोग दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, देखिए आप। वाओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, आगे तो दिख रहा है हमको। ये है हिरन, बहुत सारे हैं यहाँ पे, पूरा हिरन का झुंड है। वाओ गाइस, मेरे फेवरेट हिरन। गाइस यहाँ पे अभी हम लोग को हिरन देखने को मिल चुके हैं और अभी हम लोग हिरन दिखाएंगे आपको, बहुत ही अच्छे और बहुत ही ढेर सारे यहाँ पे हिरन हैं, आपको दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं। तो देखिए शायद आपको पीछे दिख रहा होगा, तो देखिए पीछे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए हम आगे। यहाँ काफ़ी मात्रा में बंदर आते हैं और यहाँ पे आने वाले सभी भी यात्रियों को जो भी आते हैं यहाँ पे, उन लोग को ये इंटरटेन करते हैं बंदर और इन लोग का मूड होता है बहुत ही रेड होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमको बंदर बहुत पसंद है क्योंकि बंदर लोग भी सब उछलते रहते हैं वैसे। ये जो सीन है ना बहुत ही खूबसूरत लगता है, और अगर आप पलामू किला में हैं तो यहाँ पे तो एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए। सो आपको दिखाते हैं पूरा बैक का सीन। ये देखिए यहाँ पे इतने सारे बर्ड्स, जितने भी यहाँ पे है ना पिक में, वो सारे बर्ड्स इस पार्क में आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये है यहाँ का, भाई फ्रेंड्स मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। यहाँ पे जो विश्व भर में जो पहली बार जो बाघों का गिनती हुआ था वो बिटला नेशनल पार्क में ही हुआ था, और सबसे पहले, यानी कि सोच सकते हैं ये कितना पुराना बिटला पार्क है और कितना अच्छा है कि हमारे देश में, हमारे झारखंड में बल्कि ये बाघों का गिनती हुआ, तो ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। आपको मैं ले चलती हूँ
ये बितला नेशनल पार्क के ट्री हाउस में, और यहाँ पे सब सारा जो पेड़ जो होता है ना उसका घर बनाया हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। और यहाँ के बंदरों से ना थोड़ा सा बच के रहना होता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते थे। अगर किसी पे किसी के पीछे पड़ जाए तो उन लोगों को छोड़ते नहीं है बिना काटे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत सा सीन है, और काफ़ी सारे जानवर भी देखने को मिले हमें, जैसे कि बंदर और हिरन। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, हिरन जो है ना उस साइड में बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी पास से है, तो हम आप भी देखने जा रहे हैं उसको, और आपको भी दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड सामने से बहुत सारे बंदर आ रहे हैं मेरे, आपको दिखाते हैं हम कैसा लग रहा है। आप पता है यहाँ पे ना इतना अच्छा लगता है, अगर आप यहाँ पे आइएगा तो एक शांति का फील होता है, एक बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट होता है ना, वो एकदम बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आप यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे बंदर काफ़ी मात्रा में देखने को मिल सकते हैं, और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो सीन है ना और यहाँ के जितने भी बंदर हैं बहुत ही अच्छे हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप उनको छेड़े ना, क्योंकि अगर आपने उनके साथ कुछ भी किया तो सीधा मुँह नोच लेते हैं, मार देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। बट अभी हम उन लोग से कोई रिस्क नहीं लेने वाले हैं, और आपको भी दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा सीन आ रहा है उधर का, देखिए आप। गाइस यहाँ पे रास्ता से नीचे उतरना यानी कि इस बाउंड्री से नीचे उतरना सख्त मना है, और हम लोग नीचे नहीं जा सकते हैं। सो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हिरन लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपने कितना सारा हिरन था यहाँ पे और कितने खूबसूरत लग रहे थे सारे। वो वीडियो में थोड़ा अच्छा दिखा नहीं, बट बहुत ही अच्छे लगे, और बहुत ही ध्यान से मुझे भी वो देख रहे थे, जैसे मैं उसको देख रही थी ना, वो भी हिरन मुझे बहुत ही ध्यान से देख रही थी। और ये मेरे पीछे से भैया आ रहे हैं, वैसे आपको ये दिखा सकते हैं, देखिए ये पीछे से कितना सुंदर सुंदर यहाँ पे ट्री हाउस बनाया गया है। यहाँ पे सामने से काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, और ये है यहाँ पे जो घास है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये देखिए ये विद्या का फूल, विद्या का पेड़, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और ये इधर कुछ घर बनाया गया है, पता नहीं क्या है, शायद स्टाफ लोग रहते होंगे यहाँ पे, और दिखाते हैं आपको। वाओ, अमेजिंग प्लेस गाइस। अगर आप लोग यहाँ पलामू में है ना तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ, क्योंकि ये जो बितला नेशनल पार्क है ना बहुत ही खूबसूरत है और अमेजिंग टाइप का है। ये देखिए आप लोगों को पीछे सीन दिख रहा होगा कितना अच्छा है। अभी ना लेट हो चुका है और हम लोग को घर जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में हूँ और आपको दिखा नहीं सकती, बट मस्त मस्त सीन है पीछे एकदम। या
आप लोग जंगल में देखे कितने सुंदर सुंदर हिरन थे। मैं ना इस बार ना काफ़ी ज़्यादा पास से हिरन को देखी जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये जो हिरन वगैरह है ना हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस अभी हम लोग निकलने लगे हैं, और अभी आगे का कुछ सीन अगर है तो अगर मैं दिखा दूँगी, अगर आगे का कोई सीन बचा होगा तो मैं दिखा दूँगी, और नहीं तो फिर ख़त्म। That's all for this video and don't forget like, subscribe and keep share. So guys, आपको मेरा video कैसा लगा? Comment पे ज़रूर बताएं. Bye bye. Take care.